जनता कह रही है आवाज तो दे दिया लेकिन उसके अंदर बैठकर खाना कैसे खाएं दरअसल सरसों का तेल बड़ा महंगा है आप कह रहे हैं कि हमने सिलेंडर तो दे दिया जनता कह रही है कि उसको रिफिल कैसे कराए दरअसल गैस बहुत महंगी है लोग कह रहे हैं कि आपके तो पार्टी कार्यालय तक बंद हो चुके थे अब उन पर जो तो ताला जड़ा हुआ था धूल बड़ी हुई थी उसको झाड़ फूक के अब द्वारा तैयार किया जा रहा है उसका नाम गंगा एक्सप्रेस वे क्यूँ है जो पैसठ किलोमीटर दूर ले जाई गई है कहा कि बीजेपी डरते हैं नहीं हम तो नहीं डर है हम तो कुछ नहीं डरते आपकी पार्टी के लोग जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि दो करोड़ रुपए लेकर मायावती जी टिकट देती थी जो हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पे हैं, अगर वही थोड़ा संघर्ष करते कुछ करते तो प्रॉब्लम नहीं होती और गंगा एक्सप्रेस वे हमारे यहां देखते गुमराह करने की मशीन कौन नीरज मिश्रा का गला काट के हत्या को इस कन्नौज जिले में किसने कराई चलिए ठीक है आपकी बात कम्प्लीट में बेटी को रात में किसने जलाया पूरे प्रदेश में बलात्कार की श्रृंखला किसने शुरू की दंगा कराने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ होता था जिससे कि समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम किया जा सके प्रदेश में फिर दंगे होंगे अच्छा मैं इनको रोकने में पिछली बार सक्षम नहीं थे पिछली बार हम उनको समझ नहीं पाए अतीक अहमद मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे माफियाओं को जेल से निकालने का काम करेंगे सियासी जो राजधानी है वो दरअसल लखीमपुर खीरी बनेगी राकेश टिकैत को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ वो नेता बन चुके हैं उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आपका जिन्ना प्रेम क्यों निकल आया उसके बारे में आप हमें कुछ बता दें। आपके पास शमशान कब्रिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान जिन्ना इसके अलावा कुछ नहीं है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है माहौल दरअसल इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि सियासी लड़ाई चल रही है और सियासी बयार बह रही है उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई कब खत्म होगी ये लड़ाई तब खत्म होगी जब मतपेटियां खुलेंगी और मतपेटियां खुलने के साथ किस्मत भी कई लोगों की खुलेगी नमस्कार मेरा नाम कावेंद्र चौहान है और माहौल गर्म है कार्यक्रम आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है दर्शकों आपने देखा होगा कि जब त्योहारों की बात होती है तो हिंदुओं का त्यौहार दिवाली मुसलमानों का त्यौहार जो है उसको ईद कहकर बताया जाता है इसलिए क्रिश्चियंस का त्यौहार क्रिसमस है और ऐसे में सिख जो है गुरु नानक पर्व मनाते हैं लेकिन सियासत का भी एक त्यौहार है जिसको हम चुनाव कहते हैं और सियासी चुनाव जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश में माहौल को गर्म किए हुए हैं यह फरखाबाद क्षेत्र लगता है फतेहगढ़ इलाका है, और सदर यह है जहां से हम कार्यक्रम कर रहे हैं लेकिन चारों विधानसभाओं की बात करेंगे और चारों विधानसभाओं में क्या हाल है इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे ऐसे में हमारे साथ यहाँ के सम्मानित नेता और सम्मानित जनता मौजूद एक बार जोरदार तालियां हो जाए कार्यक्रम के लिए इसी के साथ कार्यक्रम का हम जो शुरुआती पड़ाव है उसको पार करेंगे सबसे पहले नेताओं का परिचय आपसे करवाते हैं सबसे पहले हमारे साथ हैं उमेश यादव जी सपा से हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य है आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में इसके साथ ही हमारे साथ रुपेश गुप्ता जी है जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के जोरदार तालियां हो जाए एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में इसके साथ ही हमारे साथ रजनीकांत कुशवाहा जी हैं मंडल कोऑर्डिनेटर हैं आप बसपा से आपके बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा इसके साथ ही हमारे साथ भानु चतुर्वेदी जी हैं जिला महासचिव हैं आप कांग्रेस से हैं आपका भी

यहां के लिए आपकी पार्टी ने वो कौन सा काम किया है? जिसको लेकर आपको लगता है कि भाई जीतेंगे तो हम ही क्योंकि हमने ये काम कर दिखाया जो बाकियों के बस का ना था राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं इस मिल रही हैं लाख से ऊपर भारत सरकार और प्रदेश सरकार के लोग लाभान्वित हुए हैं चाहे मुफ्त अन्न के रूप में हो चाहे किसान सम्मान निधि के रूप में हो आयुष्मान कार्ड के रूप में हो आवास के रूप में हो ये सारी योजनाएं जिनको मिली हैं कह रही है कि एक बार फिर से योगी सरकार ठीक है आप कह रहे हैं कि जो जनता है उसको इतनी सारी योजनाएं मिली है इसको लेकर वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से योगी सरकार लेकिन जनता दरअसल हमसे भी कुछ कह रही है जनता कह रही है आवाज तो दे दिया लेकिन उसके अंदर बैठकर खाना कैसे खाएं दरअसल सरसों का तेल बड़ा महंगा है जनता कह रही है ठीक है आपने सड़क की बात की सड़कें तो बनवा दी गाड़ियों में तेल कैसे पड़वाए तेल बहुत महंगा है आप कह रहे हैं कि हमने सिलेंडर तो दे दिया जनता कह रही है कि उसको रिफिल कैसे कराएं दरअसल गैस बहुत महंगी है आप कह रहे हैं कि युवा बहुत खुश है युवा तो सड़क पर चल के कह रहा है कि भैया बड़ा बेरोजगार है नौकरी की बड़ी समस्या है तो जनता तो ये भी कह रही है तुलनात्मक तो अध्ययन करेंगे ना 2014 में जो पेट्रोल का रेट था पिछले पांच साल में पेट्रोल रेट हमने इसी सरकार में इस पेट्रोल को पचास रुपए तक पहुंचाया लेकिन पिछले जो उपलब्धि है आपकी सुन लीजिए मेरी बात सुनिए ना आप कोरोना का जो पीरियड आई सौ साल की सदी का सबसे खतरनाक पीरियड था इस पर पूरी दुनिया जूझ रही है हम भी जूझ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय ऐसा नहीं है सरकार पूरा आदमी को यकीन है कि मोदी पूरी तरीके से हर बार सोचेंगे कि किसी प्रकार से गरीब का कोई नुकसान कोई अहित ना हो पाए महंगाई को लेकर पूरी तरीके सरकार चिंतित है और अभी हमारी सरकार ने अभी जो गरीबों को अन्न के साथ उसमें सरसों का तेल भी देने का वादा किया है उसके साथ साथ दाल भी देगी जो आगे नवंबर महीने से राशन बटने वाले सारा ठीक जो था इन्होंने दरअसल फोड़ दिया कोरोना पे इन्होंने कहा कि कोरोना से तो पूरी दुनिया जूझ रही है हम लोग भी जूझ रहे हैं फिर भी हमने अच्छा काम कर दिखाया ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में होती और कोरोना होता तो क्या यही तस्वीरें दिखती हैं इससे कुछ ठीक दिखा सकते थे आप देखिए अभी जो आदरणीय अध्यक्ष जी कह रहे थे वास्तविक सदी की सबसे बड़ी महामारी थी इसे हम निसंकोच स्वीकार करते हैं पिछले सौ वर्षों में इस तरह की कोई विवत्स महामारी कभी नहीं आई लेकिन सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का, का कार्य है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए उनसे लड़ने के लिए स्वयं को तैयार रखे जिससे कि जनता जो ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की महामारी में सड़कों पर तड़प के बेड की कमी से जो हजारों और लाखों की संख्या में पूरे देश में लोग मरे हैं जो हजारों और लाखों परिवार बेघर हुए हैं कई परिवारों के मुखिया इस दुनिया से चले गए निश्चित ये भारत और केंद्र और प्रदेश की सरकार पूर्णतः विफल रही यदि वास्तविक तरीके से सही तरीके से उसकी व्यवस्थाएं चिकित्सीय व्यवस्थाएं की गई होती तो ये जो बीवत महामारी थी इसको कहीं कितने भी प्रतिशत हम लोग घटा के और जान और माल की सुरक्षा कर सकते थे ठीक है आपने जो पूरी बातें कही दरअसल इन बातों का लबो लुआब ये था उमेश जी कि आप बड़ा पीड़ित हैं आप बड़ा दुख दर्द में है कि यार कोरोना के चलते इतने लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी दिख गई व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप हो गई तो ऐसे में ये बताइएगा कि आपने वैक्सीन लगवा ली है जी बिल्कुल लगवा ली आपने कौन सी वैक्सीन लगवा ली बीजेपी की वैक्सीन लगवाई की सरकार की वैक्सीन लगवाई सरकार की वैक्सीन लगवाई जिस जो भारत भारत वर्ष की सम्मानीय जनता के द्वारा टैक्स के रूप में भरे जाते हैं जिससे वो वो वैक्सीन वैक्सीन खरीदी गई मैंने लगाई और भारत के एक नागरिक होने के नाते उस पर मेरा अधिकार बनता है ठीक है तो जो पहले अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है उसी को बाद में आपने कह दिया नहीं अब ये सरकार की वैक्सीन है ये जो जांच है आप कहाँ करते हैं आपने कार्यालयों में करते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाँच होती है कि ये बीजेपी की है नहीं अब ये सरकार है अब लगवाइए नहीं देखिए वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान था वो उस समय वक्त के हालात से ठीक ये कौन सा वक्त का हालात होता है कि बीजेपी की वैक्सीन ऐसे कौन से हालात आन पड़े थे कि आपको बीजेपी की वैक्सीन लगवानी पड़ी देख, देख, इससे देखिए समस्या देख, क्या हुई इससे समस्या क्या हुई कि बहुत सारे सपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने वाला बयान था जिसको लेकर सपा के कार्यकर्ताओं की जान को भी जोखिम में डाला गया उन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई इसके चलते परिस्थितियों संशोधन किया गया और मुझे लग रहा है कि अब सारे लोग वैक्सीन वैक्सीन में कौन सा ऐसा संशोधन किया गया जिससे वो बीजेपी से सरकार की वैक्सीन में संशोधन किया गया पहले वाला जो विचार था वो गलत था गलत नहीं था

ठीक है हम हमने संशोधन किया आपने कौन सा संशोधन एक एक मिनट समझाइए आपने वैक्सीन में वो कौन सा संशोधन किया जिससे वो बीजेपी की अच्छा आपने विचारों में संशोधन किया ठीक है तो उमेश जी ने बड़ा खुलकर बताया कि विचारों में संशोधन उसको बीजेपी से सरकारी वैक्सीन बना दिया गया और बाद में बाकी सफाई जितने भी थे उन लोगों ने वैक्सीन को लगवाया आप बसपा से एक चीज समझाने की कोशिश कीजिएगा कि सपा खुलकर हमलावर है बीजेपी पर छोटी छोटी पार्टियां वो भी बीजेपी पर खुलकर हमलावर है सड़कों पर दिखते हैं हर चीज कर रहे हैं आगे आगे नजर आ रहे हैं कांग्रेस तक प्रियंका गांधी तक आगे आगे नजर आ रही है लेकिन आप कहीं नहीं दिख रहे सिर्फ ट्वीट आते हैं आपके आप नजर नहीं आते इतना सॉफ्ट क्यों है हैं न है? चुनावी लड़ाई में भी है बहुजन समाज पार्टी का कार्य करने का तरीका हमेशा से अलग रहा है ये सार्वजनिक प्रदर्शन इन चीजों से हमारी पार्टी ने हमेशा दूरी रखी है वो अपने उनका जो कैडर है उस हिसाब से काम करते हैं तो चुनाव है चुनाव आप कह रहे हैं सड़कों पर लड़ाई नहीं लड़ते तो सड़कों पर नहीं लड़ेंगे तो क्या घर के अंदर कमरों में बैठ लड़ाई लड़ ली जाएगी पे ना सड़क पे हम लोग जो हमने बताया जो पार्टी का पक्ष की भूमिका में नहीं है पक्ष की भूमिका में खूब है आप कह रहे हैं ना सड़कों है। पर लड़ते हैं ना घर पर लड़ते है तो लड़ते ही नहीं है जब सत्ता से तो फिर आप कैसे विपक्ष हैं चार बार सरकार ऐसे ही नहीं बनाई विपरीत परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में बहन जी ने जो सरकार बनाई है तो उसी पैटर्न पे बनाई है जिस जो पैटर्न अभी भी चल रहा है उसी पैटर्न पे हम लोग चलते हैं क्या सोशल इंजीनियरिंग है आपकी आप क्या करने वाले हैं लोग कह रहे हैं कि बसपा कहीं नजर ही नहीं आ रही बीजेपी वाले भी हैं सपा पर ही हमलावर होते हैं सपा वाले हैं बीजेपी पर हमलावर होते हैं कांग्रेस भी हमलावर है हर कोई हमलावर है आप लोग कुछ कह भी नहीं रहे हैं लोग नहीं समझ पा रहे लोग कह रहे हैं कि आप तो चुनाव में ही नहीं है नहीं कह रहे हैं ये वो लोग कह रहे हैं जो बसपा के विरोधी हैं वो बसपा को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं कि बसपा कहीं नहीं है बसपा का जो वोटर है समर्थक है और आम जनता जो सपा और बसपा के शासन से पीड़ित हैं अब आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं इनके शासन से दोनों के शासन से ये आप, सपा बोल आप... नहीं सपा वो अगर बोल गए गलत बोल गए आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है ये तो एक साधारण काम है सरकार का अगर कोई साधारण काम बड़ी उपलब्धि क्या होती है मूर्ति लगवाना ने, ने, बड़ी उपलब्धि ये होती है कि जो कोरोना हुआ था उसमें जो दुर्दशा हुई है आजादी से अब तक ऐसी दुर्दशा आम आदमी की मजदूर की कभी नहीं हुई जो हिंदुस्तान में कोरोना में हुई है और कहीं इतनी नहीं हुई

उस तर्क से हमको कोई लेना देना नहीं है हम अपना काम करते हैं और उसी काम की बदौलत लोगों को दिखाई नहीं पड़ते हैं और सरकार बनाते हैं ठीक है आप दिखते नहीं है लेकिन सरकार बना ले जाते हैं आपके बाजू में ही सत्ता से हमारे रूपेश जी बैठे हुए रूपेश जी बताइए सपा से तो आपकी फाइट है ये तो सबको पता है बसपा को फाइट में मान रहे हैं गलत फहमी में भाई साहब आप पूरी जगह जगह जा रहे हो हर जिले में आप सर्वेक्षण कर रहे हो हमारी फाइट नहीं सपा बसपा में आपस की फाइट है कौन नंबर दो पे रहेगा कौन नंबर तीन पे रहेगा हमारी कोई फाइट नहीं बाप साह आप तो जगह जगह सर्वे कर रहे हो हम कहाँ फाइट में आप जाके देखो इक्यावन फीसदी बावन फीसदी हम तब मत लेके आ जाओ हमारे पास काम नहीं था काम आप तो काम के आधार पर जा रहे हैं आप कहाँ पर लड़ाई की बात कर रहे हैं तो आप ठीक है अगर ये सब एक साथ आ जाते हैं ये क्या करेंगे मैं बताऊँ आपको ये पश्चिम बंगाल तरह करेंगे जैसे कांग्रेस हारी उसको अपने हारने का कम नहीं रहा उसको भाजपा के हारने का कम रहा ये ये तैयारी कर रहे हैं कि ऐसा होगा अगर हम हार गए तो हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं साहब इनको हम कम कम दिला पाए इनका सिर्फ संतुष्टि जो है शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला, वाला चलिए ठीक है वो लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं

देखिए पिछले चुनाव में जनता बादों में आ गई है जलेबी नहीं जलेबी जले नहीं जले बना जलेबी नहीं बनाइए ये बताइए ये बताइए पिछली बार जब राहुल गांधी थे तब ज्यादा जोश था कि इस बार ज्यादा जोश है आप सीधे एक बता दीजिए पिछली, तो पिछली बार ज्यादा जोश था जब राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था उत्तर प्रदेश में या फिर इस बार ज्यादा जोश नजर आता है कार्यकर्ताओं में मेरी बात तो पूरी करने दीजिए जोश पिछली बार भी था इस बार भी है पिछले चुनाव में जनता गुमराह थी अब जनता साफ है दिख रही है अच्छा ठीक है अगर चुनाव हार गए फिर कहेंगे जनता गुमराह है कहा चुनाव में हारेंगे ही नहीं हारेंगे नहीं बिल्कुल कितनी सीटें लाने वाले हैं हम बहुमत से सरकार बनाएंगे सीटें सीटें हैं सीटें सीटें बताइए सीटें सीटें हाँ। तीन सौ से ऊपर तीन सौ से ऊपर तो भैया तीन सौ से ऊपर ये तीन सौ से ऊपर ये तीन से ऊपर ये और ये तो वहां से साढ़े से ऊपर तो भैया इतनी सीटें हैं कहाँ उत्तर प्रदेश में हम साढ़े साढ़े तीन सौ पर हम है और समाजवादी पार्टी तो चार सौ कह रही है साहब चार सौ तो हाँ, दो तीन ठीक है चार सौ सीटें कह रहे हैं तो एक 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 आप बांट लीजिएगा तीनों की चार सौ तीन सीटें हो जाएंगी ऐसे में अब जनता से कोई भी कुछ भी बोलना चाहेगा तो वो बोल सकता है अपनी बात को रख सकता है ठीक है अपना नाम बताइएगा फिर बात रखिएगा रानु दीक्षित नगर अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा फतेगा ठीक है अच्छा ये बड़ा है बीजेपी की हमने हर जगह देखा है जो पहली जो पंक्ति होती है कुर्सियों की उसमें जो भी बैठता है पदाधिकारी बैठता है भैया ठीक है नहीं नहीं सपा वाले भाजपा वाले सभी हैं ठीक है, है बताइए ठीक है बात रखिए हमारे परिवार बात रखिए बात रखिए एक एक, एक कार्यकर्ता ठीक है हाँ। हमारे गांव में बढ़ रहा है इसलिए हम आगे बैठे हैं और आपको यहाँ ज्यादातर भाजपा ही दिखेंगे क्योंकि उनके कामों से प्रेरित होकर खुश होकर लोग जुड़ रहे हैं भाजपा से आज सदस्यता अभियान चल रहा है हमारा लोग यहाँ भाजपा के इसलिए ज्यादा लोग अपने आप स्वयं जुड़ रहे हैं मोदी योगी की योजनाओं से खुश होकर लोग जुड़ रहे हैं तो योजनाओं से खुश होकर बीजेपी में लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं ठीक है हाँ बताइए मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है नहीं, आपकी टोपी देख के लगा लग गया हमको किसके सवाल होगा पर ठीक है सवाल उन्नीस से सरकार में वो है तो सवाल भी तो उन्हीं से बनता है ना बिल्कुल हाँ, तो फिर तो ये सवाल है जैसा कि 2019 में ये सारे लोग घूम रहे थे जनता में गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर गांव गांव इन्होंने वोट मांगे माँ गंगा ने भी हम फरुकाबाद वासियों पर कृपा की और हमारे पावन धरती से यहाँ से निकलने का काम किया और ऐसा क्या हुआ जो ये सारे जनप्रति टर्म्स की बात कर रहे हैं मैं रूपेश जी पर जाऊंगा लेकिन उससे पहले ही आपको जवाब दे देता हूँ ये कहेंगे की एनजीटी की वजह से कुछ गाइडलाइंस है उसकी समस्या आ गई कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया यही कहेंगे रुपेश जी की नहीं ये कहेंगे क्या इस नहीं, एक मिनट एक, एक एक मिनट रुपेश जी बिल्कुल रुपेश जी बिल्कुल आप पर आ रहा हूं उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा गंगा एक्सप्रेसवे फरखाबाद से निकलने वाला था ऐसे इस बात को लेकर काफी प्रचार भी रहा बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने काफी प्रचार भी किया कि गंगा एक्सप्रेस वे फरखाबाद से लेकर निकलेगा लेकिन अब फरखाबाद से गंगा एक्सप्रेस वे नहीं निकल रहा जिसको लेकर सड़क पर लोग काफी नाखुश भी नजर आ रहे हैं और नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से चार विधायक जो है वो भी बीजेपी के सांसद जी हैं वो भी बीजेपी से मतलब संयुक्त पावर यहाँ की जो है वो बीजेपी है प्रदेश में बीजेपी है केंद्र में बीजेपी है तब भी भैया फरखाबाद इतना बदनसीब क्यों है कि सड़कों पर चलो तो साइकिल का पहिया टूट जाए और पेट्रोल डलवाओ तो वो समस्या तो ये समस्याएं क्यों आ रही हैं समस्याएं है क्यों आ रही हैं नहीं आप दो बातें पूछिए एक तो हम कितने भी सर्क एक मिनट एक मिनट सवाल हुआ है सवाल हुआ है तो, तो जवाब लेते चलेंगे नहीं नहीं रुकिए रुकिए ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, नहीं सवाल हुआ है नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट नेताजी नेताजी धैर्य के साथ धैर्य के साथ सवाल हुआ है तो जवाब लेते चलेंगे गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर जो सटीक सवाल है उस पर सटीक जवाब ले लीजिए एक फाइनल जवाब ले लीजिए जिलाध्यक्ष साहब बोल रहे हैं उनको सुन लीजिए जिलाध्यक्ष साहब जो बोल रहे हैं उनको सुन लीजिए सटीक जवाब ले लीजिए विधायक और सांसद हमारे किसी संवैधानिक संस्था से बड़े नहीं होते हैं जब एनजीटी ने उस पर आपत्ति लगाई गंगा और रामगंगा नदी के बीच में नहीं यह संभव था कौन जनप्रतिनिधि यह नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र से गंगा एक्सप्रेसवे या किसी प्रकार का एक्सप्रेसवे निकलेगा संपूर्ण प्रयास हुआ एनजीटी का बाकायदा पूरी वो है उस पर उनको नहीं मिली अब विपक्ष आप सिर्फ तीन महीने पहले आपको गंगा एक्सप्रेस याद आता है इससे पहले आप कहा रहते हैं चुनावी मौसम में आप गंगा एक्सप्रेस की आपको काम है गुमराह करना जैसे वैक्सीन पर गुमराह करते हो कभी ईवीएम पर गुमराह करते हो कभी एक्सप्रेस वे के नारे गुमराह करते हो आपका काम है लोगों को गुमराह करना लोगों को दिग्भ्र करना हम तो ये कहते हैं ऐसे नक्कालों से सावधान रहना चाहिए ये आप समझ लीजिए एक्सप्रेस वे की वास्तविक हकीकत यह है कि एनजीटी कोई भी ये संभव नहीं एनजीटी की आपत्ति के बाद हमारा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाया ठीक है अब मैं आपको अब मैं आप पे सवाल कर लेता लोग कह रहे हैं एनजीटी वाली बात आप अब इसलिए बोल रहे हैं कि बात जो है वो हाथ से निकल चुकी है काफी देर कर दिया आपने भाई आपने जब पूछा मैंने आपको बताया ये वास्तविक हकीकत है और उसके बाद आप ये यकीन मानिए योगी जी ने ये कहा है कि लखनऊ एक्सप्रेस वे से हम इसको लिंग एक्सप्रेस वे में बनाएंगे इसको जोड़ेंगे उससे हम आप कह रहे देंगे कनेक्टिविटी देंगे हाँ हाँ सरकारों ने मैं इनको बता देना चाहता हूँ समुद्र में पुल बना दिए जहाँ रेती रहते और ये कहते हैं कि हाँ वो एनजीटी गंगा हरखाबाद में जो ग्राउंड लेवल है वहां तो सड़क बनी नहीं भैया तुम कहां कहां की बातें कर रहे हो जी बताइए आप भाई साहब अभी जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि गुमराह करने के काम करते हैं सावधान रहने कालों से मैं इनको बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम बात तो ये है कि उसका नाम गंगा एक्सप्रेस वे क्यूँ है जो पैंसठ किलोमीटर दूर ले जाई गई है और आपके जनप्रतिनियो से सुरेश खन्ना भारी पड़ गए जो वहां पे ले गए हैं आप एक मिनट आपके भाई साहब आपके सारे जनप्रतिनिधियों पे हमारा आपका एक जनप्रतिनिधि भारी पड़ गया उत्तर प्रदेश सरकार में जिसका बहुत बड़ा कद है पहली बात ठीक है ठीक है ठीक है जवाब जवाब जैसा अध्यक्ष जी ने कहा था यहीं पे गुमराह किया गया पैंसठ किलोमीटर दूर नहीं है मात्र यहाँ से बीस बाईस किलोमीटर दूर है और मैं फिर कहना चाहूंगा इनका जो है एक्सप्रेस बना था तो वो आगरा से चला था लखनऊ में तो सैफई और इटावा और कन्नौज होते हुए गया था क्या तब आपने फरकाबाद के लिए मांग की थी ठीक है ठीक है आपका मैं आपको बता रहा हूँ इनका काम है समाजवादी पार्टी के लोगों का काम है लोगों को गुमराह करना जो उत्तर उत्तर प्रदेश में पिछली सपा सरकार के अंदर अपराधियों ने बड़े बड़े गड्ढे पैदा करे थे योगी आदित्यनाथ ने उन गड्ढों को भर दिया है और आगे ठीक है ठीक है चलिए ठीक है चलिए 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 ठीक 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 है थीक है थीक है, थीक है, थीक है, थीक है योगी आदित्यनाथ ने गड्ढों को भर दिया ठीक है नहीं 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 हंगामा नहीं हंगामी बैठ जाए हंगामे हंगामी हंगामा हंगामी 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 बैठी बैठी बैठिए 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 नहीं नहीं बैठिए बैठिए ठीक है अब एक चीज पूछना चाहूंगा ठीक है ठीक है नहीं नहीं हंगामा मत करिए ठीक है ये बताइए यहां पर जो मुद्दे हैं उस पर सपा और बीजेपी टाइट मुद्दों पर लड़ रही है आपके पास वैसा टाइट मुद्दा नजर नहीं आ रहा है, किसी टाइट मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। जैसे ये लोग हंगामा मत करिए हंगामा मत करिए आप एक सवाल हो गया ना आपसे आपसे एक सवाल हो गया ना आप रुकिए आप थोड़ी और रुकिए थोड़ी और रुकिए अरे बाद में बाद में बाद मत दिखाइए इधर साइड कौन बैठे हुए आप लोग मत दिखाइए टोपियां नजर आ रही है ये मत करिए हंगामा मत करिए हंगामा मत करिए ठीक है चलिए आपसे सवाल ये है अब रुके रुके सवाल यह है आपसे कि इनके पास टाइट मुद्दे हैं सपा और बीजेपी जिन मुद्दों पर लड़ रही है उन मुद्दों को गिराने की क्षमता रखती है इनके पास मुद्दों का मैं क्या कहूं पूरा मकर जाल है जिस पर दोनों लोग खेल सकते हैं आपके पास कुछ नजर नहीं आ रहा है आप अभी तक कोई ट्रम्प कार्ड नहीं खेला आपने कोशिश की हालांकि कि महिलाओं को चालीस हम जो टिकट है महिलाओं को देंगे इसके साथ ही आप जगह जगह जा रहे हैं भ्रमण कर रहे हैं लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप ये इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं इमोशंस के सहारे के नैया पार हो जाएगी कांग्रेस हमेशा इमोशन के साथ रही है जनता के साथ उसका जुड़ाव इमोशन के साथ रहेंगे तो डिमोशन हो जाएगा समस्या दरअसल है है कि बाकी और भी तो मुद्दे हैं उन पर कैसे काम करेंगे आपके पास कोई बेरोजगारी की अगर समस्या है प्रदेश में आप कहते हैं बेरोजगारी की समस्या है रोजगार देने का कुछ ब्लू है क्या है बताइए हम सबसे पहले जो संविदा कर्मचारी उनको परमानेंट करेंगे और कम से कम बीस लाख लोगों को रोजगार देंगे हर लाख लोगों को रोजगार देंगे कैसे देंगे कहाँ कहा देंगे बोलना नहीं है बताइए हर जिले में हर जिले में जिले वाइज जो वातावरण होगा कोई ना कोई मशीनरी लगाई जाएगी मतलब तो है नहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर देंगे बीजेपी, आपको लगता है कि बीजेपी जो है, इससे पर आ गई है वो मुद्दा जो आपको लग रहा हो कि इनको बैकफुट पर करेगा और आप फ्रंट पर खेल सकेंगे एक मुद्दा आज ही घेर लीजिए चलिए सरकार पब्लिक बनाएगी ठीक कौन कितने पानी में है चुनाव के बाद पता चल जाएगा अभी भाजपा के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है आप भी नहीं बोल पा रहे डरते हैं आप आप सुनिए हम डरते नहीं है जो बोल... हम नहीं डरते हैं अच्छे अच्छे डरते हैं आप भी डरेंगे आप सड़क पर भी नहीं आते लाठिया भी नहीं खा रहे तो आप डरते हैं मतलब बातें नहीं, बाते नहीं कर रहे आप भी डरेंगे आपने कहा कि बीजेपी से डरते हैं नहीं हम तो नहीं डर है हम तो कुछ नहीं डरते किसी ने अगर किसी से एक सुई भी ना ली हो तो वो डरता नहीं है और पत्रकारिता में ये होता है चलिए आप बताइएगा नहीं है कि सुई ना ले

पैसे के आरोप शुरू से लगाते रहे विपक्षी तो इससे विपक्षी हमारे लगाते रहे आपकी पार्टी के लोग जो बाहर निकले जिनको निष्कासित किया गया उन्होंने कहा कि मायावती जी इतना इतना रुपया मांग रही थी हम नहीं दे पाए किसी और ने झोले में उतना रुपया दे दिया तो उनको टिकट मिल गई छोड़ने के बाद जो नेता है जो पार्टी छोड़ के आता है उसकी बुराई करता है पार्टी में रह के अगर कोई बोले तो उसकी बात आप बताइए हमें समस्या क्यों है इतनी समस्या क्यों है कि इतने सारे विधायक थे निकलते 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 आपके पास आधा दर्जन विधायक बचे हैं पार्टी ने विधायक एक बार पार्टी ने सबसे ज्यादा विधायक जोड़े और चार बार फिर भी मुख्यमंत्री बनी हमारे पास विधायक बनाने की मशीन है विधायक सब चले जाए है। हमारे सी है। जैसी कांग्रेस के पास थी आलू सोना वाली वैसी कोई मशीन है वोटर हमारा, हमारा समाज हमारा वोटर जो है वो बहन जी के साथ खड़ा है अब वो एक नहीं सब विधायक चले जाएं और जितने जाएंगे उससे दोगुने जीत के आएंगे आप कह रहे हैं कि कोर वोटर जो है वो इधर जुड़ा हुआ है सब पर आऊंगा सब पर आऊंगा सब पर आऊंगा लेकिन उससे पहले एक चीज समझाता हूं थोड़ी सी एक चीज समझाता हूं कि दरअसल ये जो मेरे हाथ में है इसको कहते हैं ध्वनि यंत्र ये आवाज लेता है और ट्रांसफर करता है जिसके सारे लोग सुन सकते हैं आप पीछे से कुछ भी बोलते रहिए किसी भी तरीके की एनर्जी लेते रहिए अपना खुद का जो है भला नहीं करेंगे हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप मैं विजय प्रताप सिंह मैं सदर विधानसभा से ही हूँ और जो भारतीय जैसा बताया रूपेश भैया जी ने कि भारतीय जनता पार्टी जो अच्छी पार्टी उसने काफ़ी कुछ काम किए लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है जैसे अभी इन्होंने बताया एक प्रॉब्लम बताई कि हमारे यहाँ जो बाईपास था हमारे पास जो गंगा एक्सप्रेस वे आना चाहिए था वो हमारे लोकल जो राजनीति है ना उनकी वजह से नहीं आ पाया केवल जो हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पे हैं अगर वही थोड़ा संघर्ष करते कुछ करते तो प्रॉब्लम नहीं होती और गंगा एक्सप्रेस वे हमारे अर्द तो ये कह रहे हैं कि विधायकों ने उतना संघर्ष नहीं किया जितना करना चाहिए था इसकी वजह से हाँ। ये, ये गलत नहीं बोल रहे हैं ये जो है ना तो गुमराह है मैं स्वयं था उस मुख्यमंत्री वाली बैठक में यार या ये विषय आया आप कौन अच्छा आप मुझे बताइए क्यों कोई जनप्रतिनिधि नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे नहीं गुजरे क्यों नहीं चाहेगा आप इसको समझिए ना कि आप भी पब्लिक में लोगों को गुमराह होने से बचाइए इसका गलत इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल दिक्कतों के कारण गंगा एक्सप्रेस वे नहीं बन सकता था इसमें ना कोई जनप्रतिनिधि का दोष है ना सुरेश खन्ना जी का दोष है ये तो राजनीति का मुद्दा बना ठीक है तो जिला अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप गुमराह है ठीक है गुमराह बात खत्म हाँ बताइएगा भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि हम गुमराह हैं। पंद्रह लाख आपके खाते में आए गुमराह किसने किया दो करोड़ दो करोड़ प्रतिवर्ष की नौकरियां गुमराह किसने किया गुमराह करने की मशीन कौन गुमराह की बात करते हैं आप गुमराह शब्द पे अटके गुमराह तो जनता हुई थी 2017, 14 और 19 उन्नीस में गलत बताई थीक है, थीक है, हाँ, है। गलत बताई आप बताइए तो ईवीएम किसने गलत बताई भाजपा की वैक्सीन किसने गलत बताई आप बताइए ना ईवीएम किसने भाजपा की वैक्सीन किसने गलत बताई इस देश में निकाला किसने गया नीरज मिश्रा का गला काट के हत्या हुई इस कन्नौज जिले में किसने कराई ठीक है चलिए ठीक है आपकी बात कम्प्लीट कर बेटी को रात में किसने जलाया पूरा प्रदेश में बलात्कार की श्रृंखला किसने शुरू की चलिए 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है विराजमान रहिए विराजमान रहिए आप आपसे ठीक है आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात छेड़ दी अब जो बात छिड़ती है उसे खेचते हैं लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होती है लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होती है रुकिए रुकिए जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तब ठीक है ठीक है ठीक है लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होती है तो सबसे ज्यादा जो आरोप है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो आप पर लगते हैं कि आपके समय में कानून व्यवस्था जो थी वो उतनी व्यवस्थित ढंग से नहीं चली लोग आरोप लगाते हैं आरोप लगते हैं ना सिद्ध करिए अगर आप अपराध का ग्राफ दो से सत्रह सत्रह से अब तक का आप क्राइम रेट उठा के लिए आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं अभी गूगल करिए उत्तर प्रदेश का अपराध ग्राफ आपको अभी पता चलेगा आप सभी लोग लोग शिक्षित देखिए चिल्ला चिल्ला के 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 बात को दबाने नहीं तर्क से बात को दबाने के प्रयास बात करें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, है उस पर आएंगे सब पर आएंगे उन पर भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं बीजेपी ठीक है रुकिए 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 अरे नेताजी 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 एक मिनट बात यह है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 2017 के बाद दंगा नहीं हुआ एक भी 2017 से पहले मुजफ्फरनगर के दंगे कानपुर की बात करते हैं आगरा की बात करते हैं वो कहते हैं आपकी जो सरकार थी वो दंगा कराने में बड़ी माहिर थी दंगा कराने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ होता था जिससे कि समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम किया जा सके जो लोग अपराध और दंगा कराने के काम करते थे जब उनकी सरकार आ गई तो वो दंगा क्यों कराएंगे दंगा कराने के लिए ठीक है 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 सबसे सबसे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आप उमेश जी बताइए उमेश जी आप ये बताइए आप कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी जो दंगे होते थे वो दरअसल बीजेपी वाले और वाले और आरएसएस कराते थे तो आपकी सरकार इतनी सक्षम नहीं थी कि दंगों को रोक पाए और ये दंगे करा लेते थे दोबारा इनकी सरकार बनेगी दोबारा ये दंगे कराएंगे हाँ जब जब सक्षम थे तभी हम उन दंगों को नियंत्रित कर पाए दंगा तो हुआ कितने लोग मर गए आप सक्षम नहीं थे सुनिए तो कुलदीप सांगर ने बलात्कार भी किया उसके बाद हाथरस की बेटी भी जलाई गई अपराध तो सदैव होते हैं अब अब एक चीज ठीक है उमेश जी आप एक चीज समझाइए कल को आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो ऐसे में ये फिर दंगे करवाएंगे मतलब प्रदेश में फिर दंगे होंगे अच्छा मैं इनको रोकने में पिछली बार सक्षम नहीं थे पिछली बार हम उनको समझ नहीं पाए चूँकि भारतीय जनता पार्टी समझ गए और फरेब फरेब की का काम हमको समझ नहीं पाए उनकी चाले अब हम समझ रहे हैं हम उनको रोक लेंगे निश्चित ठीक है ठीक है तो उमेश जी समाजवादी पार्टी से है वो कह रहे हैं कि दो से पहले जो दंगे होते थे वो दंगे तो दरअसल आप कराते थे जवाब दे दिया ना कि हम सक्षम नहीं थे हम पिछली बार समझ नहीं

इनको अगर मैं सही पहचान रहा हूँ तो आप बताइएगा अगर मैं आपको सही पहचान रहा हूँ तो आपका नाम शिवांग रस्तोगी है।, है आप बड़ा चर्चा में रहे नोएडा में एक दफा कहीं नहीं रहे तो रहे तो जब? आपने खाकी वर्दी को कहाकिया दिया नहीं, कुछ नहीं कर दिया कुछ भी नहीं हुआ था देखिए समाजवादी पार्टी अभी अखिलेश यादव कह रहे थे अपनी रैलियों में कि हम बाबा का बुलडोजर बंद कर देंगे बुलडोजर ये ऐसे बंद करेंगे अकी अतीक अहमद मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे माफियाओं को जेल से निकालने का काम करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वो कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहे हैं आपके लोग जो माफिया करते अपनी पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं आग... है, 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 आप हुड़तंग मत करिए पार्टी का नाम क्यों खराब कर रहे हैं पार्टी का खराब क्यों कर रहे हैं ठीक है चलिए बताइए आप

आप परेशान है नहीं कतई नहीं बिल्कुल परेशान नहीं जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई कोई भी सरकार को करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए निश्चित करना चाहिए मुख्तार अंसारी पहले तो मैं आपका संज्ञान में ला दू समाजवादी पार्टी के सदस्य भी नहीं है और वहां से भी भाई है नहीं अभी सदस्य हैं लेकिन उनके, उसके 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 भाई तो है। उनके भाई तो हैं उनके तो भाई तो हैं ठीक है आप एक तरफ ठीक है ये 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 थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा समझाइए 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 अजय अजय मिश्रा ठीक है ठीक है अजय मिश्रा अजय मिश्रा वो आप कहते हैं कि बर्खास्त करिए क्योंकि वो उनके पुत्र है आप ये बताइए नया नहीं कर रहे हैं आप ये कोई आप नया नहीं कर रहे हैं कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए आपका उत्तरदायित्व बनता है तो एक तरफ एक तरफ एक तरफ नेताजी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जो है उन पर कार्रवाई

किसी अपराधी जो सार्वजनिक रूप से किसानों को कुचलने का काम करता है उनका पिता होगा निश्चित उन किसानों को कैसा न्याय मिलेगा हम क्यों फंसे कहां फंसे और अगर मुक्त, और मुख्तार अगर मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी अगर समाजवादी पार्टी के ना तो प्राथमिक सदस्य हैं, और ना ही समाजवादी पार्टी से विधायक और सांसद हैं मुख्तार अंसारी भाई अंसारी पिछले सोलह साल से जेल में है। जो ज, जो जैसे कर्म करेगा कानून व्यवस्था उसके लिए वैसी व्यवस्था करेगी इसमें पक्ष नहीं लेता लेकिन मैंने आपसे कहा अभी फिर मैं अपनी बात पर कायम हूं एक परिवार में कई आचरण के व्यक्ति हो सकते हैं तो टेनी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं वो अलग आचरण के होंगे बिल्कुल देखिए टेनी 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 के टेनी के बेटे ने जो अपराध किया है वो टेनी टेनी के टेनी के ने, ए अनुराग जी बैठिए टेनी अजय मिश्रा जी के बेटे ने जो अपराध किया है वो इस जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और अभी उसकी विवेचना और जांच जारी है यदि उनके पिता डीजीपी को सामने बिठाल के डांट देंगे उनके पिता गृह राज्य मंत्री के पद पर रहेंगे उन मा, मासूम किसानों के परिवारों को कैसा न्याय मिलेगा मैं... है, मासूम किसानों के जो परिवार है उनको न्याय कैसे मिलेगा ये बात अहम है आप कृषि कानूनों पर लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई क्योंकि उस चीज का जिक्र चल रहा है उसी कड़ी के साथ आपको जोड़ रहा हूं प्रियंका गांधी पूरी लाइमलाइट में रही सबसे आगे आगे क्योंकि लखीमपुर खीरी एक बड़ा मुद्दा था कहा जा रहा था कि इस बार सियासी जो राजधानी है वो दरअसल लखीमपुर खीरी बनेगी बड़ा मुद्दा बनेगा प्रियंका गांधी दौड़ी दौड़ी भागी भागी वहां पहुंचती है अखिलेश यादव भी पहुंचते हैं यहां तक कि जैन चौधरी आरएलडी से वो भी पहुंचते हैं हर कोई पहुंचता है मायावती जी नजर नहीं आती क्यों हो रहा है किसी भी मुद्दे को भुनाने की कोशिश आपकी पार्टी क्यों नहीं कर रही है आपकी पार्टी लोगों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही है आप बीजेपी का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ भी नहीं करते नहीं 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 अरे आपने कह दिया कुछ भी नहीं करते तो सरकार क्या ऐसे ही बन गई आप फिर कहेंगे कि चार बार हमारी सरकार बनी आप ये बताइए आप सड़क पर लड़ते नहीं आप मुद्दे बुलाने की कोशिश करते नहीं तो फिर करते क्या आप चलिए बताइए हम यही करते हैं कि अजय मिश्रा को आपने क्लीन चिट दे दी है वो क्लीन चिटअप नहीं देते हैं और रही बात मुद्दे बुनाने की वहां पर सब लोग गए ये राकेश टिकैत पूरा हिंदुस्तान उनका शुक्र गुजार होना चाहिए कि राकेश टिकैत की वजह से किसानों की जो बर्बादी हत्या और तबाही होने वाली थी वो बच गई ये बहुत बड़ा काम किया राकेश टिकैत ने और हिंदुस्तान इतिहास में हमेशा उनका ऋणी रहेगा अगर ये कानून पास हो जाते भारतीय किसान यूनियन के जो राकेश टिकैत है राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो बड़े नेता आप उनको समझते हैं या फिर मायावती जी को आप बड़ा नेता समझते हैं आप बड़े पत्रकार हैं ये बड़े हैं या वो बड़े हैं नाराज नहीं। मुझे ये बताइए आप राकेश टिकैत को बड़ा नेता समझते हैं या फिर आप मायावती जी को बड़ा नेता समझते हैं? हमारी बहन जी सबसे वरिष्ठ नेता है बड़ी नेता है लेकिन राकेश टिकैत का उनका जो योगदान है वो हिंदुस्तान में किसी का नहीं है उन्होंने जो बड़े बड़े अहंकारी थे मोदी जैसे लोग थे उन्होंने उनको सबको फिट कर दिया सब काम तो, तो राकेश टिकैत ने कर दिया तो लोग वोट भी राकेश टिकैत को दे दें आप टिकैत वोट अभी ले ही नहीं रहे जब लेंगे तो उनको दे देंगे आप भी उन्हीं को देंगे भाई हम क्यों देंगे अब वो बड़े नेता है उन्होंने सब गिराने का काम कर दिया आप भी तो कह रहे हैं राकेश टिकैत अभी जब वोट नहीं मांग रहे तो आप उन्हें कैसे वोट दे रहे हैं भाई मैं कह रहा हूं कि अगर वो कल को चुनावी मैदान में आ जाते हैं देखिए थोड़ी दिलचस्प बात आपने की दरअसल क्या होता है कि जब पार्टी के पदाधिकारी होते हैं वो अपने नेताओं की तारीफों के पुल बांधते हैं उन्हीं की बात रखते हैं लेकिन आप किसी और नेता की बात करें राकेश टिकैत अब नेता बन चुके हैं राकेश टिकैत को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ वो नेता बन चुके हैं वो सबसे बड़े नेता बन चुके हैं नेता वो है जो फराड बात करे गलत बात करे पब्लिक को गुमराह करे वो नेता है वो नेता है आप नेता है। हम नेता नहीं है आप नेता नहीं है कार्यकर्ता है मायावती जी नेता है हम कार्यकर्ता है मायावती जी नेता वो नेता नहीं है वो अपने समाज और हिंदुस्तान और प्रदेश की वो नेता नहीं कहेंगे हम उन्हें बहन जी कहते हैं आप नेता नहीं मानते मायावती जी को नहीं नहीं हम नेता नहीं मानते वो हमारी मसीहा है ठीक है नेता नहीं मानते मायावती जी को ठीक है चलिए ठीक है कांग्रेस से दरअसल सवाल हो जाएंगे बिल्कुल आप पर आ रहा हूँ सब पर आऊंगा थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए बिल्कुल 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 सदर सर चीज पर आऊंगा सर चीज पर आऊंगा ठहरिए थोड़ा सा फाइट चल रही है आपको ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका में आप ज्यादा लाइमलाइट पा रहे हैं इस बार विपक्ष की भूमिका में हैं हम और कौन है पिछली बार 2017 में कौन था 2017 में 2017 में समाजवादी पार्टी थी।, तो थी आप नहीं थे राहुल गांधी कम है जी राहुल गांधी को आप नहीं मानते कि वो फाइट लड़ने के काबिल थे उस समय जो जनता थी वो ऐसे मकड़जाल में थी वो समझ ही नहीं पा रही थी वो तो ये समझ नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है ये हमारे दिन सुधर जाएंगे अच्छे दिन आ जाएंगे पंद्रह लाख आ जाएंगे लोग कह रहे हैं कि जो तीस साल से जो सूखा है आपका आप जो सत्ता में नहीं आ पा रहे उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं आप तो दरअसल कुछ बचा ही नहीं है मेहनत कर लीजिए आप मैं मैं खुद कहता हूँ कि प्रियंका गांधी जी जो है वो कांग्रेस की सबसे ज्यादा भीड़ जुटाऊ नेता है लेकिन उसके बावजूद लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब आपके लिए कुछ बचा नहीं है दरअसल क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी है सपा है बसपा है इनका कैडर है कैडर मजबूत है आपको कैडर बनाने का काम करना पड़ेगा कैडर बनाने का काम मतलब ईट लगाने का काम करना पड़ेगा देखिए हम तो सिर्फ फाइट में समाजवादी पार्टी को मानते हैं तो आप दोनों फाइट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फाइट कर रही है हम ही लोग फाइट में आप दोनों फाइट में आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं नहीं भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पहले ही नकार दिया अच्छा, थीक है इसलिए ठीक है ठीक है ठीक है हाँ इसकी ये जो कह रहे हैं सपा कह रही है इसकी शुरुआत ये बहुत बड़ी ताज्जुब बात है जहाँ बीजेपी की सरकार हो हिमाचल में और वहां बुरी दशा हुई है बीजेपी की ये शुरुआत हो गई है अब हिंदुस्तान में आगे आने वाले समय में कम से कम पच्चीस तीस चालीस साल तक लोग बीजेपी का नाम नहीं लेंगे

टूरिस्ट प्लेस घोषित कर देना चाहिए यहाँ पर एडवेंचर के कार्यक्रम होने चाहिए क्योंकि उस सड़क पर इतने भारी भरकम गड्ढे हैं कि उस गड्ढे पर अगर गाड़ी गिरी तो फिर गाड़ी गिरेगी ही गिरेगी मैं बात कर रहा हूं मोहम्मदाबाद वाली सड़क की ठीक है जो सेंट्रल जेल से होती हुई मोहम्मदाबाद तक जाती है अब जिलाध्यक्ष साहब जिलाध्यक्ष साहब एक बात बताइएगा कि उस सड़क पर अब आप कहेंगे कि पैचिंग का काम चल रहा है अब पैचिंग का काम ये बताइए लोग कह रहे हैं कि चुनाव आ गए हैं इसलिए आप पैचिंग का काम करवा रहे हैं

ठीक है ना ये स्टेट हाईवे था स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे चला गया नेशनल हाईवे में थोड़ा काम में दिक्कत आई काम का टेंडर हो गया काम शुरू होने वाला है लेकिन आप शहर की उन सड़कों को भी जिले की जोड़िए जहां कभी विकास की सर... कोई बात ही नहीं हुई आप राजेपुर अमृतपुर की कनेक्टिविटी देखिए आप फरखाबाद से नवाबगंज की कनेक्टिविटी देखिए आप भोजपुर के उधर जाइए आप जरारी की तरफ वो कनेक्टिविटी देखिए सड़कें देखिए आप क्या नवाबगंज से अलीगंज का भी काम शुरू हो गया हमारी तो जिलाध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि बाकी सड़कें देखिए और इस सड़क पर बात ठीक है बात है फरुखाबाद सदर की दुर्भाग्य पचास साल से यहाँ का इस जनता का जितने प्रतिनिधि आज तक यहां से हुए हैं उन्होंने जितनेबाद को क्या दिया बात यह है।, है आप कह रहे हैं कि सदर सीट का इतना बड़ा बदनसीब रहा सदर सीट कि इसको कभी कुछ मिला ही नहीं उमेश जी आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा हम फरखाबाद से निकलते जैसे ही मैनपुरी घुसते हैं मैनपुरी का बॉर्डर क्रॉस करते हैं मैनपुरी के अंदर जाते हैं सड़कें अलग नजर आती हैं, लाइटें लगी हुई हैं, चमाचम सब कुछ बढ़िया बढ़िया नजर आता है और लोगों से पूछते तो लोग कहते हैं कि समाजवादी लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के समय पर यह काम हुआ तो आपकी पार्टी ने जो आपके गढ़ थे वहां पर काम कराया लेकिन फरकाबाद को छोड़ दिया फरखाबाद को आपने ही बदनसीब छोड़ दिया यहां कोई विकास का कार्य नहीं हुआ पिछले पाँच साल से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये प्रश्न सत्ता से बनता है पहली बात यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का ढाई घाट का पुल बनवाने का ये सारे का विकास के कार्य समाजवादी पार्टी के सरकार में हुए हैं और मैं आपका संज्ञान में लाना चाहूँगा ये जो सड़क जिसपे पिछले पाँच साल में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की दो दो 2017 में सत्ता आई सबसे पहले उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाएंगे उन्होंने पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा युक्त बनाने का काम किया है और इस जिस सड़क मोहम्मदाबाद का आप प्रश्न कर रहे हैं जिस सड़क अब जब चुनाव आ रहे हैं तो उसपे पैस लगाने का काम किया जा रहा है मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान और पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो कोरोना और किसानों के दिलों में जो जख्म किए हैं उस पर पैस लगाने का काम अब नहीं होगा ठीक है, है तो आप नेता जी कह रहे हैं कि पैस लगाने का काम नहीं होगा एक पहले क्या होता था कि बसपा बीजेपी और समाजवादी पार्टी जब साथ में बैठते थे तो एक बड़ी समस्या आती थी एक्सप्रेस वो कहते थे हमारा ये एक्सप्रेस हमारा हमारे ये एक्सप्रेस इस बार एक चीज बढ़िया रही कि बसपा का यमुना एक्सप्रेस हो गया आपका लखनऊ आगरा हो गया और आपके पास भी पूर्वांचल हो गया सब सब देने के लिए हो गया हाँ पूर्वांचल का ठीक है ठीक है अरे है, है, रुके, रुके, रुके रुके एक बात सुनिए मेरी बात सुनिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है ये जीवन के लिए विकास में काम आता है ठीक है अब मैं आपसे बात करता हूं जैसे ही जैसे ही पूर्वांचल जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करो तो बीजेपी वाले कहते हैं बढ़िया आपको बुरा लग जाता है बड़ी देखे, जल्दी देखिए मित्र मैं आपके माध्यम से फिर से भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को बताना चाहता हूं कि ये जो दूसरों के उपलब्धियों को अपना बताने का काम करते हैं ये गुमराह करने का काम बंद करें आप आप 2017 से पहले समाज उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी ट्विटर हैंडल पर जाइए मैं आप पूरे निवेदन और आपसे आप उसके साथ बात कर रहा हूं विनम्रता के साथ 2017 से पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ट्विटर हैंडल और जो सरकारी उन पर जाइए पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो शिलान्यास है समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा आप हमारी उपलब्धियों को चुराने का काम कर रहे हैं अपना बताने का काम और केवल उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं फीता काटने का काम कर रहे हैं गुमराह करने का जो आरोप हम पे लगाते हैं दो करोड़ नौकरियां दूसरों की उपलब्धियों को अपना बताने तो का के 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 आइडिया जरूर आपका था, लेकिन बनवाया तो उन्होंने आइडिया ही तो जनक होता है और शिलान्यास सिलान्या, शिलान्यास क्या होता है अगर हम दोबारा सत्ता में आते देश और प्रदेश की जनता गुमराह ना हुई होती भारतीय जनता पार्टी के झूठों जुमलों से प्रभावित ना हुई होती निश्चित हम उस एक्सप्रेस हाईवे और उन्होंने जो पांच साल में काम किया मैं हम बीस महीने में कर रहे हैं आप चले ठीक है आपका आइडिया था ठीक है आपका आइडिया था उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बनवा दिया उनको बधाई दीजिए बनवा दो तो इनका काम किया बनवा तो दिया उन्होंने बन, बन को वन हंड्रेड को एक सौ बारह वन वुमेन हेल्प प्लान समझे नहीं समझे नहीं आप समझे नहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस में आपका आइडिया था लेकिन उन्होंने बनवाद हो दिया आप धन्यवाद दीजिए उनको ना साहब इधर आ जाइए आप धन्यवाद धन्यवाद कह हमारा आइडिया चुराने का काम कर बनवाया तो उन्होंने अरे बनवाने का कोई नहीं ठीक है चलिए ठीक है रूपेश ना आप ये कह रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवा लिया सरकार आप थी पांच साल में क्यों नहीं बनवा पाया अरे आप इस सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनिए ना कि लोकार्पण भी हम ही करते हैं उद्घाटन भी हम ही करते हैं ये आपका दुर्भाग्य आप सिर्फ लोकार्पण करते थे हम उसका उद्घाटन उस कर रहे हैं आप दुर्भाग्य देखिए ठीक है गति आप एक सुनिए काम की गति को देखिए ना ये देश को काम की किस गति हमारे हाईवे बनाने की गति क्या थी इनके हाईवे बनाने की गति क्या थी हमारी एक्सप्रेस बनाने की गति क्या थी इनकी एक्सप्रेस बनाई आप इसको तुलनात्मक करिए भाई आप लोकार्पण ही कर पाए दो बार सत्रह तक एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के पे अलावा आप उसको लोकार्पण ही कर पाए ना हम तो दो दो एक्सप्रेस पे तैयार कर रहे हैं बुद्धेलखंड तैयार होने के पे उसका उद्घाटन हो गया उसका शिलान्यास आपने किया था अगर आप कह है रहे हैं तो आपके 2012 से 2017 के भी सिर्फ शिलान्यासी हुआ काम कहा हुआ उस समय तो सिर्फ शिलान्यास हुआ भाएग काम कहा हुआ वो कह रहे काम, काम कहा हुआ 22 महीने में देश का सबसे बड़ा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम समाजवादी पार्टी के सरकार ने ठीक ठीक है है मुलायम सिंह अखिलेश जी जाते कैसे अखिलेश जी को धक्के कैसे लगते तो उनके घर किधर थे मैनपुरी फिरोजाबाद आप उठा के देखो इनके तो विकास आज आज उत्तर प्रदेश ठीक है ये कह रहे हैं कि अपने 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 घर में काम कर लिया आपने अपने घर में काम किया

नहीं सदर की विधानसभा चुनाव की ना कि प्रगति उन्होंने क्या किया इन्होंने क्या किया आज आप एक काम करिए माइक आप ही पकड़ लीजिए सवाल मत बताइए आप 20 साल लग गए सब काम करते ठीक है आप बताइए क्या करते समाजवादी पार्टी ने।, 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 ने जो पहले बयान दिया कोरोना टाइम कोरोना टाइम मैं इनसे पूछ रहा हूँ आप लोग कहाँ थे कोरोना टाइम घर में दुबके हुए थे भारतीय जनता हाँ एक छोटा सा सवाल है और मैं स... मैं आपको मौका मिलेगा सबको हाँ? सुन लो आप लोग तो गदर के लिए जाने जाते हो दो मिनट सुन लो मेरा एक सवाल है हमारे समाजवादी के प्रतिनिधि से मैं समाजवादी प्रतिनिधि से एक सवाल पूछ अरे रुकिए भैया सवाल तो कर दीजिए मत करिए ऐसे

इसके अलावा कुछ नहीं है आप नहीं, नहीं। लोग कह रहे हैं कि आपने आपने बोला ये बात। बोली। आपके पास कुछ भी नहीं है अरे अरे अभी चार काम बता दीजिए चलिए चलिए रुक जाइए साठ महीने उत्तर प्रदेश सरकार की बने माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में हुआ माननीय आप चार काम बता दीजिए आप जिन अरे आपके तो, आप तो पास आपके पास, आई आई पास कुछ हाँ, है ही नहीं उसके पास कुछ बताइए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आप जिन्ना ना ना। के तो मुद्दे को तो लेकर तो चर्चा हो तो रही है एक मिनट एक मिनट रुकिए मिनट जिन्ना के मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है सवाल क्या रुकिए क्या कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं बैठ 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 जाइए 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 खड़े खड़े मत मत सवाल था कि जिन्ना के मुद्दे को लेकर बात हो रही है मत करिए उड़तांग मत करिए मत करिए जिन्ना के मुद्दे को लेकर सवाल था उन्होंने कहा कि जिन्ना का मुद्दा आप छोड़िए ये पाकिस्तान जिन्ना हिंदू मुसलमान सब आप ही करते हैं हमने कहा क्या जिन्ना आप ये बोटो को पोलराइजेशन का अगर हम आपसे कहें राम मंदिर हमारा आस्था का विषय था हमने बनवाया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हमने उस अगर सुनिए आज आप सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था हमने भव्य मंदिर बनाया आप देखिए सुन लीजिए सुनिए सुनिए नहीं 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 अरे यदि मुद्दा था सुनिए आप सुनिए सुन आप देखिए गुम आ, भाई, सुनो भाई ये सुनो सुनिए गुमराह करने का काम तो आप करते थे आप क्या कहते थे कपिल सिब्बल कि राम मंदिर का मुद्दा अभी हल नहीं होना चाहिए दो साल और चाहिए लेकिन इस सरकार की मंशा थी कि आस्था का विषय इसको हल होना चाहिए राजनीति में इसको मुद्दा नहीं बनना चाहिए आज ये मुद्दा खत्म हो गया कि नहीं हो गया हम नहीं चाहते कि वोटों का पोलराइजेशन करें लेकिन ये एक वर्ग को भयभीत करने का काम करते हैं कभी जिन्ना ले आएंगे कभी सन्नाज अयोध्या ले आएंगे कभी पाकिस्तान कभी हम नहीं कहते हैं ये आप कहते हो तो उसका जवाब आता है तो अब हिंदू पाकिस्तान ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है देखिए एक और आप सवाल बनेगा सवाल बनेगा आपसे कि इनके पास भिन्न-भिन्न प्रकार के भांति-भांति के मुद्दे हैं इनके पास जिन्ना भी है इनके पास पाकिस्तान भी है तो ऐसे में समस्या क्या है एक मिनट रुके एक मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए जरा कैमरा उधर करिए कैमरा उधर करिए और आप उमेश जी जवाब दीजिए कि जिस

नाम बताइएगा पहले मेरा नाम राजन है आ, मेरा सवाल है बीजेपी से है। है, है। जैसे रुकिए 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 आपका सवाल है रुपेश गुप्ता जी से ठीक है सवाल रखिए राजन यादव जी, जी, हाँ राजन यादव मेरा नाम है मेरा सवाल रुकिए रुकिए भाई रुकिए हाँ बताइए बीजेपी वाले कहते हैं उपलब्धियां अपनी गिनाते हैं मैं, मैंने ये करवाया मैं फरुकाबाद की बात कर रहा हूँ फरकाबाद फरकाबाद चार विधायकों ने क्या किया एक सांसद ने ठीक है तो राजन यादव का सवाल है की एक उपलब्धि बताइए उनको जवाब दे दीजिए ठीक है ठीक है एक एक सेकंड एक सेकंड राजन यादव जी सवाल कर रहे हैं कि चार विधायक एक सांसद कराया क्या एक बताओ मैं सुना चार ओवर ब्रिज फरुखाबाद को मिले ठीक है दो बन रहे हैं दो बनने गए हैं ठीक है एक बात अभी फरुखाबाद में पंद्रह दिन पहले गरीब जनता के लिए लोहिया हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत हुई ठीक है ठीक है ठीक है तो तो ठीक है जिलाध्यक्ष कह है रहे हैं कि चार ओवरब्रिज बन रहे हैं और मिनटे मैं कहीं भाग रहा हूँ आपसे आपके पास ही आ रहा हूँ पांच साल में भाजपा सरकार में सिर्फ एक फरुखाबाद की उपलब्धि है भाजपा का ले बना उसके बाद कुछ नहीं किया आप क्या हम ये कह रहे हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यालय अच्छा बनाया इसके अलावा पूरे जनपद में और सुनिए एक मिनट एक मिनट मोहम्मदाबाद भाई साहब मोहम्मदाबाद रोड छोड़ दीजिए सिंगीरामपुर से छिपरा मार्ग देखिए अब आप, आप जानगंज चौराहे से लेके मोहम्मदाबाद रोड देखिए भौरिकपुर से मोहम्मदाबाद रोड भैया सारी महिलाएं और बेटियां बीजेपी की बहनें और सबके कपड़े फड़वा दिए व्यक्तिगत ओवर वहां पे भी गड्ढे हो गए ठीक है चलिए ठीक है चलिए चलिए बैठ जाइए बैठ जाइए सब लोग बैठे हाँ आप मेरे पीछे पीछे हां बताइए मेरा नाम दीपक है योगी सरकार ने हजार मोदी सरकार ने हजारों घर दिए हजारों लोग बेरोजगार थे और रही बात सदर विधानसभा की सदर विधानसभा हम लोग जीत जब ही सकते हैं जब प्रत्याशी चेंज हो अब कार्यक्रम समापन का समय है, एक एक कमेंट लेंगे सभी नेताओं से इसके बाद कार्यक्रम को खत्म करने की और दिशा देंगे आप सभी ने अपने जो सवाल थे वो रख दिए आखिरी कमेंट अरे रुकिए भैया रुकिए नारेबाजी रुकिए रुके रुकिए 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 अरे रुकिए 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 बैठिए रुकिए रुकिए रुके 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 रुके

आप सरकारी आंकड़े निकलवा लीजिए पीडब्ल्यूडी के सारे आंकड़े निकलवा लीजिए आपके सामने आ जाएगा अगर 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 आप 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 जीत जीत उमेश जी कर आते अगर हैं तो आप क्या तो देंगे करोड़ फरुखाबाद के अंदर काम कराया जो विकास कार्य में गिना जाएगा और जो हम जीत के आएंगे तो हम पांचों वर्ष तक मुफ्त गरीबों को मुफ्त राशन देंगे तीन यूनिट बिजली फ्री देंगे हम तीन यूनिट बिजली तीन यूनिट बिजली फ्री देंगे हम हम प्रत्येक प्रत्येक सड़क को गड्ढा मुक्त करेंगे हम हम पेंशन जो जो पेंशन जो जो दोबारा बंद की की गई थी भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा उसको पुनः बहाल करेंगे आपके पास ये सब कुछ है बीजेपी अगर दोबारा जीत कर आती है तो वो काम बताइएगा रुपेश जी आपको लगता है कि इस कार्यकाल में रह गए अब हम करेंगे अंतिम पंक्ति का उदय अभी हमें वहां तक जाना है जहाँ हमारे पास कोई विकास नहीं पहुँचा पाए एक काम आपके इस 2017 से 22 में, में एक काम और कर दिया जो राजनेताओं की फॉर्चूनर बिका करती थी ना आज की तारीख बिकना बंद हो गई हैं हाँ वो फॉर्चुनर बिकना बंद हो गई हैं तो विकास का एजेंडा जो है उसी के साथ आप चुनाव मैदान में है ये बताइए कि अगर 2022 में बसपा की सरकार बनती है तो आपके पास फरुखाबाद की जनता के लिए पिटारे में क्या कुछ है फरुखाबाद नहीं पूरे प्रदेश की जनता के लिए ये राशन और ये चीजों जो लाभ दिए जा रहे हैं इनकी नौबत नहीं आती अगर कुछ काम किया होता नियत साफ होती कंगना रनौत को पुरस्कार दे रहे हैं ये आदर्श है इनका आप हम आपसे पूछ रहे हैं एक मिनट है एक एक मिन। एक मिन। चीज है वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं तो सपा वाले ताली बजा रहे, है। रहे, रहे हैं मेरी बात सुनिए मेरी बात सुन लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि हम ना भाजपा की बुराई कर रहे हैं एक मिनट शांत करो फिर हमारी एक बात आखिरी है लो बात रख बात सुन लीजिए बात सुन लीजिए मैं बार बार कह रहा बात सुन लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं कंगना रनौत को दुनिया जानती है क्या इस तरह उनका आप भी जानते हैं और उनको वो एक वो एक अभिनेत्री हैं वो काम अच्छे कर रही है नेशनल अवार्ड उनको मिले हुए हैं ठीक है वो उनका व्यक्तिगत जिसकी तरफ भी रुझान है जो भी टिप्पणी है वो उनका खुद का है किसी के बारे में आप गलत नहीं टिप्पणी कर सकते ठीक है आपका आदर्श है मानिए आप उसे नहीं नहीं आप ये मत कहिए मेरी तो आदर्श देश भर की सारी महिलाओं को अपना आदर्श मानता हूँ कुछ नहीं होता आप व्यक्तिगत अगर टिप्पणी करेंगे तो उसके लिए नहीं अगर कोई महिला जेल में गलत काम में है वो भी आपके लिए आदर्श है तो बनी रहे ऐसा नहीं वर्गीफिकेशन होना चाहिए कौन गलत है कौन सही है ऐसे तो जो जेल में बंद है अपराधी बंद है तो वो भी आपके लिए आदर्श है जेल में जो बंद है उनके बारे में हम अभद्र टिप्पणियां करना शुरू कर दें टिप्पणी नहीं कर रहे हैं आप समझिए जो जेल में बंद है उसके लिए अभद्र टिप्पणी करने के लिए हम फिर दे जो अभद्र टिप्पणी कर आप, आपने कहा कि जेल महिलाएं बंद है वो आपके लिए आदर्श हो सकती है अगर कोई महिला जेल में बंद हो गई तो उसके लिए अभद्र टिप्पणी करने के लिए मैं स्वतंत्र हो जाता हूँ तो आप किसी को नहीं मानते ये मानतेने की बात होती है जो सबको मानता है बस या जो बातें करता है देश की महिलाओं को आदर्श नहीं मानते कौन देश की महिलाएं सब आदर्श है कि नहीं मानोगे आदर्श अब आप कह रहे हैं कि देश की सारी महिलाएं आदर्श हैं आप अपनी बात पर उलझ रहे हैं आप पिटारे की बात सुनिए आप ये बोलिए पहले आप वहां से आइए आपने कहा कि देश की सारी महिलाओं को आप है तो ये गलत है। फिर आप हमारे हो लेकिन आदर्श नहीं हो सकते देश की महिलाओं को आप आदर्श मानते वो तो ने, ने, हाँ। ने, ने, हाँ। है इसके लिए पूछने मैंने भी उसी बात पे बात रखी थी आप ये बताइए फरकाबाद की जनता के लिए आपके पिटारे में क्या पिटारे में पिटारे में ये है लोगों को गुमराह नहीं करना है लोगों को फर्जी बातों में नहीं उलझाना है और बहुजन समाज पार्टी का काम ये जो देख रहे हैं माहौल इसको करना उसी के दम पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और इनके दिन के हिमाचल में हिमाचल प्रदेश में शुरुआत हो गई है ठीक आप कह रहे हैं कि उलझाने का काम नहीं करेंगे सुलझाने का काम करेंगे ठीक है आप क्या कह रहे थे कांग्रेस की अगर सरकार बनती है किसी के साथ बने अकेले दम पर बने आपके पास क्या कुछ है सिर्फ दो दो रोजगार और और विकास बस हम रोजगार देंगे राशन और ये तेल और ये सब नौबदी नहीं आएगी आप रोजगार देंगे आप विकास देंगे फिर बहुत सारी चीजें हैं लोग कहेंगे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देंगे वो, विकास में तो सारी चीजें आप विकास देंगे सुरक्षा देंगे इस तरीके की बातें जो है वो कर रहे हैं वो सब कुछ देंगे ऐसे में ऐसे में यहाँ जितने भी लोग शामिल हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ सम्मानित नेतागड़ों का भी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ जनता कह रही है आवाज तो दे दिया लेकिन उसके अंदर बैठकर खाना कैसे खाएं दरअसल सरसों का तेल बड़ा महंगा है आप कह रहे हैं कि हमने सिलेंडर तो दे दिया जनता कह रही है कि उसको रिफिल कैसे कराए दरअसल गैस बहुत महंगी है लोग कह रहे हैं कि आपके तो पार्टी कार्यालय तक बंद हो चुके थे अब उन पर जो ताला जड़ा हुआ था धूल बड़ी हुई थी उसको झाड़ फूक के अब दोबारा तैयार किया जा रहा है उसका नाम गंगा एक्सप्रेस क्यों है जो किलोमीटर दूर ले जाई गई है। कहा कि बीजेपी से डरते हैं नहीं हम तो डर हैं हम तो कुछ नहीं डरते आपकी पार्टी के लोग जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि दो करोड़ रुपए लेकर मायावती जी टिकट देती थी जो हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पे हैं, अगर वो ही थोड़ा संघर्ष करते कुछ करते तो प्रॉब्लम नहीं होती और गंगा एक्सप्रेस हमारे गुमराह करने की मशीन कौन नीरज मिश्रा का गला काट के हत्या हुई इस कन्नौज जिले में किसने कराई चलिए ठीक है आपकी बात कम्प्लीट में बेटी को रात में किसने जलाया पूरे प्रदेश में बलात्कार की श्रृंखला किसने शुरू की दंगा कराने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ होता था जिससे कि समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम किया जा सके प्रदेश में फिर दंगे होंगे अच्छा मैं इनको रोकने में पिछली बार सक्षम नहीं थे पिछली बार हम उनको समझ नहीं पाए अतीक अहमद मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे माफियाओं को जेल से निकालने का काम करेंगे पास सियासी जो राजधानी है वो दरअसल लखीमपुर खीरी बनेगी राकेश टिकैत को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ वो नेता बन चुके हैं उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आपका जिन्ना प्रेम क्यों निकल आया उसके बारे में आप हमें कुछ बता दे आपके पास शमशान कब्रिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान जिन्ना इसके अलावा कुछ नहीं है